बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर फादर्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। आज हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से यहाँ जो मुराद है वो ये है कि इससे पहले जो एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस हमने पढ़ी हैं, जिसमें कॉमन एमिटर एम्पलीफायर भी है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी है और कॉमन बेस एम्पलीफायर भी है, और हमने उन तीनों में देखा है कि उनमें किसका वोल्टेज गेन ज़्यादा है, किसका करंट गेन ज़्यादा है, किसकी इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कम है, किसकी आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कम है, ठीक है, और किसकी जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड है और किसकी नॉन इन्वर्टेड है। तो इन सारे जो हमारे पास अब ये ऑप्शंस हैं, ये सारे टूल्स हैं, तो इन सब को देखते हुए हम क्या करेंगे कि जिस तरह की एप्लीकेशन होगी, जिस तरह की वहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग के हवाले से जो सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो के मुताबिक हम जो है वो इंतखाब करेंगे अपने एम्पलीफायर का या एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का। लेकिन किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिमिटेड हो जाते हैं कि उसके गेन को हम एक ख़ास हद से बढ़ा सकें, तो ये फिर भी गेन ज़्यादा होने के बावजूद भी उतना ज़्यादा नहीं होता जितना हमें आम तौर पर रिक्वायर्ड होता है। उसमें गेन को मज़ीद बढ़ाने के लिए किया ये जाता है कि बहुत सारे एम्पलीफायर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, कि पहला एम्पलीफायर जो है वो दूसरे एम्पलीफायर की इनपुट पे कनेक्ट हो जाता है, इसी तरह तीसरा दूसरे वाले की आउटपुट पे कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर तीन एम्पलीफायर्स को मिला दिया जाए तो हम हर एक को स्टेज बोलेंगे, और क्योंकि ज़्यादा हैं तो मल्टीपल स्टेज इसको एम्पलीफायर्स कहेंगे। तो ये बेसिकली कैस्केड किए जाते हैं, कैस्केड कर दिए जाते हैं, पहले की आउटपुट पे दूसरा कनेक्ट कर देते हैं, फिर दूसरे की आउटपुट पे तीसरा, एंड सो ऑन। इस तरह करने से फ़ायदा जो मिलता है वो ये है कि एम्पलीफायर्स का गेन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, गेन में एक बहुत इजाफा देखने में मिलता है। गो के वो ये कहता है कि जो एक जिस तरह से हमने एक सिंगल एम्पलीफायर देखा है, चाहे वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में था, तो ऐसे सिंगल यानी डिस्क्रीट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स जो हैं ये किसी वक्त में होते थे, लेकिन अब ये कॉमन नहीं हैं, और आगे जाके हम जब मज़ीद टॉपिक्स देखेंगे तो अब बड़ी मुख्तलिफ तरह से एम्पलीफायर्स आ रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि फिर भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि गेन कैसे जो है वो कैस्केड करने से मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के कैसे इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए ये अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये 6.33, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो एक ये जो ट्रायंगल का सिंबल शो किया गया, ये बेसिकली एक पूरे उस एम्पलीफायर को जाहिर कर रहा है, आपका पूरा एम्पलीफायर इसके अंदर जो है वो सर्किट मौजूद है, ठीक है। तो किया ये गया है कि क्योंकि सबके फ़र्ज करें, अगर ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही है बिल फर्ज, तो सबकी जो है वो देखें जो कॉमन ग्राउंड पे हैं एमिटर्स जो हैं, और सबको एक ही VCC से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और पहले एम्पलीफायर की जो है फर्ज करें बेस पे हमने इनपुट दे दी है, और आखिरी एम्पलीफायर की जो कलेक्टर से आउटपुट ले ली है। तो पहले एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होगा वो AV1 होगा, दूसरे का AV2 AV3 एंड सो ऑन। अगर n नंबर ऑफ आपने स्टेजेस हैं या n नंबर ऑफ आपके पास मल्टीपल एम्पलीफायर्स हैं, तो वो जो हैं उतने ही आपके पास गेंस जमा हो जाएंगे, और इक्वेशन के मुताबिक जो ओवरऑल गेन है उसको उन्होंने AV prime बोला है, तो वो सब एम्पलीफायर्स के गेन के डिस्क्रीट एम्पलीफायर्स के गेन के प्रोडक्ट के इक्वल है। आप सबको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से एक एम्पलीफायर गेन में किस हद तक इजाफा जो है वो किया जा सकता है। इसमें एक दूसरी बात जो अहम है वो ये है, ये जो गेन है, क्योंकि अगर आम तौर पर जो गेन मेजर किया जाए उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इतनी अपीलिंग नहीं होती, लेकिन जब से इसको डेसिबल्स में कैलकुलेट किया गया या एक्सप्रेस किया गया है, तो ये काफ़ी अपीलिंग वैल्यूज़ होती हैं, बड़ी सिंपल होती हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं और ईजी टू हैंडल होती हैं, और आप किसी भी गेन को या इवन जो हमारी अटेन्यूएशन होती है वो भी डेसिबल्स में, जो उसको हम नेगेटिव गेन कह सकते हैं, डेसिबल्स में कैलकुलेट की जाती थी। तो आप जब भी आउटपुट और इनपुट जो है वो करें तो उसमें जो हमारा गेन dB यानी डेसिबल्स में होगा, डेसिबल्स में गेन लेने का तरीका ये है
आउटपुट और इनपुट को का आप लॉग ले लें और लॉग लेकर उसे 20 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन के मुताबिक, तो वो डीबीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको डीबीज में कन्वर्ट करने का एक और फायदा जो ये है, जो बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल एम्पलीफायर्स हैं, एक्सक्यूज मी, जो आपने कनेक्ट किए हैं, उस सूरत में गेन जो है, अगर गेन डीबीज में हो तो वो सम अप होंगे। अगर पहले का गेन 2 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, 3 है, तो ये कुल गेन जो है आपका 2 + 2 + 3 = 7 हो जाएगा। तो वो उस सूरत में आप अगर डीबीज में गेन होगा तो वो सम अप होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये भी इसका एक जो है वो एक उसकी इम्पोर्टेंस है। ये एग्जाम्पल जो है 6.12, ठीक है, आप इसको ज़रूर परफॉर्म करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो ये वैल्यू गेन की क्या थी हमारे पास, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करने से ये गेन जो है वो, पहले का गेन 10 था, दूसरे का 15, तीसरे का 20, तो ये वैल्यू क्या हमारे पास बन गई 3000। तो आप 3000 का भी जो है वो डीबीज में से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग से भी देखें, 10 का डीबीज में, 15 का, 20 का उन्होंने निकाला है, और बाद में इन्होंने इन तीनों गेन जो 20 dB था, 23.5 dB था, 26 dB था, इनको सम अप किया है तो 69.5 dB जो है उसका आंसर बन गया। तो इस तरह से आप जो है ये एग्जाम्पल्स भी ज़रूर परफॉर्म करें। तो इसके साथ अब जो अगला टॉपिक जुड़ा है वो इसी के अंदर है कि कैपेसिटिवली कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। यहाँ पे दो जो है वो एम्पलीफायर्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे दोनों एम्पलीफायर्स के कंप्लीट सर्किट्स जो हैं वो शो किए गए हैं, जबकि ऊपर जो है वो सिर्फ एक एम्पलीफायर सिंबल के अंदर ही उसको बंद कर दिया गया था। यहाँ पे दो लिए गए क्योंकि ज़्यादा के लिए तो मुश्किल हो जाता है एक पेज में उनको लाना, तो दो एम्पलीफायर्स यहाँ दिखाए गए हैं। और अगर आप गौर करें तो ये दो सेपरेट एम्पलीफायर्स हैं और दोनों, पहले पे गौर करें तो देखते हैं इसकी इनपुट कहाँ है, इसकी इनपुट कैपेसिटिवली कपल्ड बेस पे है और इसकी जो है वो मीटर रेजिस्टेंस को कैपेसिटर से बाईपास किया गया है एसी के लिए और इसके कलेक्टर से आउटपुट ली जा रही है। तो ये एक कॉमन मीटर एम्पलीफायर है जो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं और VCC इसको 10 वोल्ट दी जा रही है, तो इसको वो फर्स्ट स्टेज का नाम दे रहा है। फिर इसके बाद अगला जो एम्पलीफायर है वो एम्पलीफायर जो है वो भी अब उसकी जो इनपुट है वो पहले वाले की आउटपुट है, दूसरे स्टेज के एम्पलीफायर की इनपुट पहले वाले की आउटपुट है, तो दूसरा जो है वो अपनी इनपुट तो जो है वो बेस पे ले रहा है और वो भी आउटपुट जो है वो अपने कलेक्टर से दे रहा है, तो वो भी कॉमन। तो कन्फिग्रेशन सेम है, दोनों कॉमन मीटर एम्पलीफायर्स हैं और दोनों को क्योंकि 10 वोल्ट VCC चाहिए थी लिहाजा वो कॉमन करके दोनों को प्रोवाइड कर दी गई है और बाकी जो है जहाँ जहाँ ग्राउंड रिक्वायर्ड था वो इक्वली सारे ग्राउंड हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर के जरिए से कैसे कपल किया गया। और कैपेसिटर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो पहले भी आपको बताया था कि कैपेसिटर जो आपकी बाइसिंग है, जो आपकी डीसी करंट्स हैं, वो सिर्फ कैपेसिटर से पार नहीं चाहेंगे, उसके अंदर अंदर रहेंगे, वो इस पहली स्टेज के लिए यहाँ पे और दूसरी स्टेज के लिए इस हिस्से में बंद रहेंगे और एसी के लिए ये रास्ता बिल्कुल ही। तो जितना यहाँ से यहाँ एम्पलीफाई होगा फिर यहाँ से यहाँ उससे मजीद और एम्पलीफाई हो जाएगा और गेन जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि लोडिंग इफेक्ट क्या है। लोडिंग इफेक्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको फिर से रिमाइंड कराता हूँ कि हमने ये पढ़ा है कि हमारा ये कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो आप ये देखें कि कॉमन मीटर एम्पलीफायर का जो गेन होता है वोल्टेज वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे दो एम्पलीफायर्स हैं तो पहले वाले को हम 1 और दूसरे को 2, यानी स्टेज 1 स्टेज 2, पहले हम जो हमारा है क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर, हम उसको Q1 बोल रहे हैं और दूसरे वाले को हम Q2 बोल रहे हैं। तो पहले हम गेन Q1 की वजह से पहले एम्पलीफायर का देखेंगे और फिर दूसरे का हम देखेंगे। पर दोनों गेन्स को जैसा कि ऊपर हमने जिक्र किया, अगर डीबीज में किए तो दोनों को सम अप कर देंगे, अगर आम सूरत में हुए तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले एम्पलीफायर का गेन निकालें और फिर हम दूसरे एम्पलीफायर का गेन निकालें।
तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो गेन है वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है। तो अगर आप ये इक्वेशन देखें और अगर आप उस टॉपिक में दोबारा जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर जो वोल्टेज गेन होता है ये इक्वल होता है कलेक्टर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल आर ई प्राइम, यानी कि ये कलेक्टर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आर ई प्राइम तो चले एक मखसूस सिनेरियो में हमारे पास फिक्स हो जाएगी, लेकिन कलेक्टर रेजिस्टेंस का में अगर इजाफा हो जाए तो गेन बढ़ जाता है, और अगर कलेक्टर रेजिस्टेंस में कमी वाकया हो जाए तो आपका गेन कम हो जाता है। ये बड़ी वाजे बात है। और यहाँ ये बात भी मैं दोहरा देता हूँ फिर से कि आर के साथ जो सी स्मॉल है वो सी स्मॉल इसलिए है कि जो आर के साथ सी कैपिटल है उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर रजिस्टर है जो यहाँ पे पहली स्टेज पे R3 है, ठीक है, और दूसरी स्टेज पे वो R7 है। तो अब ये खाली R3 यानी आर कैपिटल सी जो है ये शामिल नहीं है, बल्कि हमारा ये स्मॉल सी से मुराद है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस भी मौजूद है तो जितने भी वो रेजिस्टेंसेस होंगी वो पैरेलल में उनका टोटल इफेक्ट देखा जाएगा, ठीक है। तो असल में कलेक्टर के ऊपर जब आउटपुट कलेक्टर पे मौजूद होती है और वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, तो उसका वहाँ से बाहर निकलना डिपेंड करता है कि कलेक्टर के ऊपर कितनी रेजिस्टेंसेस मौजूद है। और याद रखें कि कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंसेस मौजूद होती हैं वो अमूमन पैरेलल होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक यकीनी तौर पर कलेक्टर रेजिस्टर जो हमने अपनी मर्जी से किसी वैल्यू का लगाया होता है एक वो होता है, और दूसरा मुमकिना तौर पर कोई भी उसके बाद जो आपने उसके साथ लोड लगाया है या उसकी आउटपुट पे जो चीज लगाई है, आप ये देखेंगे कि जो चीज उससे आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके इनपुट क्या है, ठीक है। तो लिहाजा आप उसकी जो चीज कलेक्टर की आउटपुट पे लग रही है, ठीक है, जो कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो रही है वो जो अगली चीज कनेक्ट हो रही है उसकी जो इनपुट है उसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। तो लिहाजा कनेक्ट होने वाली की इनपुट रेजिस्टेंस और इस पहले की अपनी कलेक्टर जो रेजिस्टेंस है जो आर सी जो हमने यहाँ 4.7 किलो रखा है, इन सबको पैरेलल में सॉल्व करके टोटल जो उसका इफेक्टिव वैल्यू बनेगी जिसको आप कहें कि रिजल्टेंट जो आपकी रेजिस्टेंस बनेगी वो दैट्स कॉल्ड द रिजल्टेंट कलेक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर लोड ही नहीं कनेक्ट तो फिर आप कह सकते हैं कि वहां सिर्फ जो है वो आर सी कैपिटल ही मौजूद है, तो लिहाजा सिर्फ आप उसी की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा बात जो करने का सारा मकसद है वो ये है कि जो पहले वोल्टेज पहले एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है वो पहले एम्पलीफायर के कलेक्टर पे जब आप पहुंचते हैं तो कलेक्टर पे पहुंचते हुए वो जितनी रेजिस्टेंसेस को अपने आगे अपनी आंखों से देखता है वो तमाम रेजिस्टेंसेस उसके उसकी वैल्यू पे असरअंदाज होती हैं, क्योंकि गेन जो है हमने कहा है कि वो कलेक्टर की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या उसकी जो नेट इफेक्ट वाली रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पहले एम्पलीफायर के कलेक्टर पे जब वोल्टेज वहां पे मौजूद है इस पॉइंट पे तो वो यहां से कितनी रेजिस्टेंस देखने को उसको मिल रही है अपने अगले मंजिल तक पहुंचने में अगले में। तो लिहाजा इस चीज को जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है लोडिंग इफेक्ट। बेसिकली पहले एम्पलीफायर के साथ जो दूसरा एम्पलीफायर कनेक्ट है वो दूसरा एम्पलीफायर अपनी नेचर में तो एक एम्पलीफायर है लेकिन पहले एम्पलीफायर की नजर में वो उसके लिए एक लोड की हैसियत रखता है, वो उसको सिर्फ एक लोड की हैसियत से देखता है कि मेरे आगे कितना लोड कनेक्ट कर दिया गया है, और वो जो लोड है वो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ये देख रहा है कि इसकी जो दूसरा चीज कनेक्ट की गई है जो लोड कनेक्ट किया गया है उस लोड की इनपुट रेजिस्टेंस क्या है और खुद इसकी आर सी यानी इसकी कलेक्टर रेजिस्टेंस क्या है। लिहाजा इसके कलेक्टर रेजिस्टेंस प्लस आगे कनेक्ट होने वाले लोड की इनपुट रेजिस्टेंस, इन दोनों को अगर आप पैरेलल करके सॉल्व करेंगे तो नेट आपके पास कलेक्टर रेजिस्टेंस आ जाएगी आर सी, और जब आपके पास आर सी आएगी तो आप जो है वो गेन मालूम कर सकेंगे। तो अब हमने ये देखना है कि एक तो हम इस कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस है वो तो आप हमें मालूम है वो R3 4.7 किलो ओम है। अब ये हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एसी वोल्टेज है उसकी निगाह में कितनी रेजिस्टेंसेस आती हैं। तो अब आप गौर कीजिएगा, मैं आपको सर्किट से ही समझाता हूँ कि इस पॉइंट पे मौजूद एसी जो अब यहाँ से बाहर निकलना चाहती है वो निकलेगी तब वो
उस हिसाब से निकलेगी जिस हिसाब से उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और इसको लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि लोड जितना भारी होगा वो उतना ही क्या क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जितना लोड कम होगा उतनी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये यही बताते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारा गेन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो हमारी जो है वो गेन जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मौजूद वोल्टेज की नजर में एक ये रेजिस्टर है जो यहाँ से ग्राउंड हो रहा है, या आप कहेंगे ग्राउंड तो नहीं हो रहा, वो तो VCC के साथ है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि AC के मामले में DC सोर्स जो है वो ग्राउंड के तौर पर एक्ट करता है, वो ग्राउंड के तौर पर एक्ट करता है। लिहाजा अगर आप इस वक्त AC की निगाहों से देख रहे हैं, उसकी आंखों से देख रहे हैं, तो AC की नजर में ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर अपने दूसरे सिरे पे ग्राउंड हो रहा है। तो लिहाजा एक ये रेजिस्टर है जो ग्राउंड हो रहा है R3, फिर AC के लिए ये कैपेसिटर कुछ भी नहीं है। हम ये अज्यूम करते हैं कि आपको पता है कि जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, जो सादा लफ्ज में जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर ऐसी सेट की जाए ठीक है कि आप इस रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर लें, जीरो कर लें या निगलिजिबल कर लें, तो आप समझें कि AC के लिए ये कैपेसिटर जैसे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा एक तो ये रेजिस्टर हो गया, फिर जब ये AC यहाँ पे पहुंचेगी इस पॉइंट पे, तो उसकी नजर में यहाँ पे फिर दो रेजिस्टर हैं, ये R5 है, ये भी ग्राउंड हो रहा है, क्योंकि जब ये ग्राउंड हो रहा है तो फिर ये भी ग्राउंड हो रहा है, फिर उसके बाद R6 भी ग्राउंड हो रहा है, तो उसकी निगाह में R3 भी ग्राउंड हो रहा है, पैरेलल है R3 है, और R3 के साथ पैरेलल में R5 है, और उसके साथ पैरेलल में R6 है, तो क्या बात खत्म हो गई है? नहीं, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है जो नजर नहीं आ रही लेकिन हमने उसे पढ़ा है, और वो क्या है? वो बेसिकली इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जो उसको बेसिकली आर इन बेस कहते हैं। तो आपको पता है कि टोटल इनपुट रेजिस्टेंस बेसिकली इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल विद आर इन बेस, तो लिहाजा इन दोनों का जिक्र हमने तो कर दिया है अलग से, R3 का, R5 का, R6 का, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस और है जिसको हम कहते हैं आर इन बेस। तो लिहाजा ये कुल मिला के चार रेजिस्टेंसेज ऐसी हो गई हैं जो पैरेलल में कलेक्टर पे जो AC वोल्टेज है उसकी निगाह में आ रही है। तो हम इन चारों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो ये अगर आप इस चीज को मजीद अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आप इस इमेज पे आ जाएं कि आप देखेंगे यहाँ Q1 जो है, ये जो ये Q1 है, इसके इस पॉइंट पे जब AC वोल्टेज पहुंचती है तो देखें उसकी नजर में एक R3 है जो ग्राउंड हो रहा है, उसके बाद दूसरी स्टेज में वो दाखिल हो रहा है, और वहां पहुंचते हुए R5 ग्राउंड हो रहा है, फिर उसके बाद R6 ग्राउंड हो रहा है, और उसके बाद आखिर में देखें R इन बेस है, लेकिन ये बेस का 2 लिखा है क्योंकि ये दूसरी स्टेज के जो एम्पलीफायर है या दूसरी स्टेज का जो दूसरा हमारा जो ट्रांजिस्टर है जिसको हम Q2 का नाम दे रहे हैं, ये उसकी बेस है, लिहाजा इसे आर इन बेस 2 लिखा गया है, ठीक है। उसको मेजर करने का अपना मेथड है, आप देख लें हमारे पिछले लेक्चर में कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में कि आर इन बेस कैसे कैलकुलेट की गई है, तो उस तरीके से आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखें कि कुल मिला के 4 रेजिस्टेंसेज हैं जो पैरेलल में आ गई हैं। तो याद रखें कि रेजिस्टेंसेज जब सीरीज में आती हैं तो वो एड अप हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन जब वो पैरेलल में आ जाती हैं उस सूरत में उनका इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है। तो लिहाजा होगा क्या कि अब हमारे पास हम ये देखें कि ये इतनी रेजिस्टेंसेस इसके आउटपुट के पैरेलल में आ जाएंगी। तो अब स्टेज वन का जो गेन है, अगर नॉर्मली आम गेन का जो फॉर्मूला है वो AV इज इक्वल टू RC ओवर स्मॉल RE प्राइम है, ठीक है। तो लिहाजा अब हम इस सूरत में गेन 2 कर लेते हैं, पहले का नाम रख लेते हैं AV1, पहले के गेन का, दूसरे का AV2, ओवरऑल हम प्राइम से शो कर देंगे, जैसा ये देखें यहाँ किया गया है कि पहले वोल्टेज का जो पहला हमारा एम्पलीफायर है, पहली स्टेज है, उसका गेन जो है वोल्टेज गेन वो AV1 है, दूसरे का AV2 है, ठीक है। अब AV1 बराबर है किसके? RC1 ओवर RE प्राइम, क्योंकि RC होता है तो हम 1 इसलिए लिख रहे हैं कि पहले वाले का 1। तो RC1 किसके इक्वल है? RC1 बेसिकली ये जो चारों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हैं यही RC1 है, क्योंकि कलेक्टर से यही उसको दिखाई देती हैं AC को। तो ये कौन सी हैं? R3 है, पैरेलल टू R5 है, पैरेलल टू R6 है, एंड पैरेलल टू R in base 2 है।
अब इनकी वैल्यूज तो हमें मालूम हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लें। ये देखें यहाँ नेक्स्ट स्टेज में उसने सारी वैल्यूज लिखी हैं, और जब सॉल्व किया है तो इसका जो जवाब मिला है उसको वो 1.63 किलो ओम है। तो देखें कहाँ पे खाली कलेक्टर रेजिस्टेंस हमने जो कनेक्ट की थी वो 4.7 किलो ओम थी। अब इन सब का फैक्टर कम हो के क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 1.63। तो ये बहुत थोड़ी वैल्यू हो गई है। तो लिहाजा RC1 की वैल्यू का कम होने का अब नुकसान ये होना है कि अब देखें ये 1.63 RC1 की वैल्यू पुट की है, और RE1 प्राइम की वैल्यू 23.8 जो यहाँ बयान की गई है, तो अब ये जवाब हमारा क्या है 68.5। तो इसका मतलब है कि गेन बहुत ही थोड़ा है। तो देखें गेन ने डिपेंड किया, गेन डिपेंड करता है कलेक्टर पे। मैं फिर रिपीट करूंगा, कलेक्टर पे जब एसी वोल्टेज पहुंचती है तो कलेक्टर पे उसको अब आगे बढ़ते हुए लोड की तरफ जाते हुए उसे जितनी रेजिस्टेंसेस नजर आती हैं वो उन सबको पैरेलल में देख के सॉल्व करके जाता है। तो लिहाजा अगर उसको रेजिस्टेंसेस ज्यादा नजर आएंगी तो वह उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखें पैरेलल में थी तो सबका फैक्ट बिल्कुल कम हो गया, और आप देखें कि गेन हमारा सिर्फ 68.5 हुआ। सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में अगर आप यहाँ पे सेकेंड स्टेज पे खड़े हो के रेजिस्टेंसेस देखें तो हमारे पास आगे कोई शो ही नहीं किया गया। हमारे पास सेकेंड स्टेज पे कलेक्टर से सिर्फ एक रेजिस्टेंस नजर आती है और वो R7 है। तो लिहाजा उसने क्या किया है कि सेकेंड स्टेज के गेन को सॉल्व करते हुए सिर्फ ऊपर R7 लिख दिया है। ये इसको R7 को आप RC2 भी कह सकते हैं, वो बेसिकली दूसरे कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये वही, जैसे ऊपर RC1 था तो यहाँ RC2 जो है वो वही R7 ही है, क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, जबकि यहाँ RC1 में ये सारे मौजूद थे, इसलिए पैरेलल में सॉल्व किए थे। तो अब हमने जब इनको सॉल्व किया तो आप देखें 197, तो ये तकरीबन उसका 3 गुना बनता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, तो देखें पहले का गेन हमारे पास 68.5 आया है, दूसरे का गेन हमारे पास 197 आया है। तो अब ओवरऑल गेन निकालना है तो हम AV1 इंटू AV2, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें और जवाब जाए वो 13,495 आपका गेन बन गया है, ठीक है। अब ये जो गेन होता है नॉर्मली याद रखें इसकी यूनिट नहीं होती, उसकी वजह ये है कि दो सिमिलर आप क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो लिहाजा यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाती है, ये यूनिट लेस होती है। लेकिन अब इसको यूनिट देने के लिए जो मेथड है वो ये है कि आप इसको इसका लॉग लें, और लॉग लेने के बाद इसी वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करें, तो अब जो जवाब है ये देखें 82.6 dB है। तो ये काफ़ी भला मालूम होता है। तो ये आपको पूरा समझ आई होगी कि कैसे एम्पलीफायर्स को कनेक्ट किया जाता है, और कैसे जो पहला एम्पलीफायर होता है उसकी जो आउटपुट होती है या उसका वोल्टेज गेन जो होता है वो कैसे अगले उसके साथ कनेक्ट एम्पलीफायर के साथ या उससे कनेक्ट लोड के इनपुट रेजिस्टेंस के साथ उसका कैसा एक रिश्ता होता है, लिहाजा इसको लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। उसकी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो लोड, यानी लोड किस टाइप का है, लोड अपनी इनपुट पे कैसे रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो लिहाजा आपको यहाँ पे एक इस बात की अहमियत का अंदाजा हुआ होगा पहली दफा शायद कुछ लोगों को, और वो ये कि हम क्यों जोर देते हैं कि एम्पलीफायर्स की जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो ज्यादा हो। जब किसी एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो उस वो एम्पलीफायर जब किसी भी एम्पलीफायर के बाद कनेक्ट किया जाता है तो पिछले वाले की आउटपुट जो है या पिछले का गेन बढ़ जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनपुट पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि इनपुट की रेजिस्टेंस पहले वाले की आउटपुट रेजिस्टेंस बन जाती है, और उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होती है उतना ही उसका गेन बढ़ जाता है। तो क्योंकि उसका गेन बढ़ेगा तो ओवरऑल गेन बढ़ जाएगा, तो लिहाजा इस बात की इंपॉर्टेंस है। यही वजह है कि आप दोबारा से लेक्चर कॉमन मीटर एम्पलीफायर देखें तो उसमें हमने जो है आर इन जो है इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए कैसे हमने मीटर रेजिस्टेंस को स्प्लिट करके बाईपास किया था, इस चीज को आप फिर से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है वो डीसी वोल्टेजेस को भी यहाँ डिस्कस किया गया है, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है, ये एक रिपिटिशन ही है, लेकिन आपकी एक लर्निंग को बढ़ाने के लिए कि वी भी बताई गई है कितनी है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वी भी क्या है। ये फार्मूला पहले से ही आपको मालूम है कि बेस पे जो वोल्टेज है, क्योंकि इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम जो है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट से, क्योंकि देते हैं बेस को वोल्टेज,
तो आपको पता है कि हमने जो है वो VCC 10 वोल्ट ली हुई है, ठीक है। ये सर्किट में आप फिर से देख सकते हैं, ये देखें 10 वोल्ट की VCC है, तो वो सवाल ये कर रहा है कि VB क्या होगी। तो आपको पता है ये VB डिपेंड कर रही होती है R1 R2 और VCC पे, और R1 47 है, R2 10 है, K है दोनों। तो देख सकते हैं कि आप R2 10 लिखी गई है और नीचे 47 प्लस 10 जो है 57 K हो गया, और 7 × 10 VCC वोल्ट, तो ये 1.75। इसी तरह से बाकी VE की वैल्यू भी निकाली गई है। आपको पता है VE जो मीटर पे वोल्टेज होती है वो बेसिकली बेस वोल्टेज है, सिर्फ 0.7 माइनस कर लें, क्योंकि बेस मीटर पे ये वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7 का, तो वो आप बाकी जो वैल्यू बचती है वो लिखी गई है। इसी तरह जो मीटर का करंट होता है वो क्या है, वो बेसिकली मीटर की वोल्टेज को मीटर की रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लें। जो R4 है बेसिकली R मीटर है, ये आप देख सकते हैं ये R4 1 किलो ओम का यहाँ कनेक्ट किया गया है, तो आप उसको डिवाइड कर लें और 1.05 मिली एम्पीयर आपका मीटर करंट आ जाएगा। तो मीटर करंट जब आपके पास आ गया तो आपको पता है कि आपका जो कलेक्टर करंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली मीटर करंट के इक्वल होता है। तो IC को भी यही वैल्यू दे दी गई है। VC जो वोल्टेज आपकी कलेक्टर पे होती है वो बेसिकली VCC माइनस ICRC होती है। तो VCC आपके पास 10 वोल्ट है और IC की वैल्यू आपने अभी कलेक्ट कर ली है, और R3 की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, तो ये फिर VC की वैल्यू 5.07। तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज को आम KVL के जरिए अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। ये पहले भी हम कर चुके हैं। अब हम अगली स्टेज को देखते हैं, और वो ये है कि इससे पहले तो हमने कैपेसिटर के जरिए से कैपेसिटिवली कपल्ड हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स थे, अब हमने डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर्स को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखें कि एक एम्पलीफायर जो है, इस सर्किट का अगर गौर करें तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे है। बेसिक 2 स्टेज डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर जो है वो दिखाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कैपेसिटर्स को एक बड़े रीजन के साथ कनेक्ट किया था, और अब हमने यहाँ पे कैपेसिटर्स को रिमूव क्यों कर दिया है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको ऊपर एक सर्किट पे ले चलता हूँ, जहाँ पे हमने ये कपलिंग कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया था। हमने इनपुट वोल्टेज भी कपलिंग कैपेसिटर से दी थी, हमने आउटपुट को भी जो है वो लोड को भी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करके दिया था, और उसके अलावा हमने मीटर को भी कपलिंग कैपेसिटर से, सॉरी कपलिंग नहीं, एक कैपेसिटर से बाईपास किया था, ठीक है, बाईपास कैपेसिटर हमने इस्तेमाल किया था। तो बात यह है कि हम जब भी हायर फ्रिक्वेंसीज पे काम करते हैं तो हायर फ्रिक्वेंसी पे जाके कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो बहुत थोड़ी हो जाती है, बल्कि आप समझें कि वो निग्लिजिबल हो जाती है, हम कहते हैं जीरो हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा हायर फ्रिक्वेंसीज पे काम करते हुए कैपेसिटर्स हमें कोई रुकावट नहीं पेश करते। हम से मुराद ये है AC वोल्टेजेस को कैपेसिटर्स किसी तरह की रुकावट नहीं पेश करते, कोई रिएक्टेंस नहीं शो करते, जिसकी वजह से सारा काम बड़ा इजीली हो जाता है, हमारे गेन मुतासर नहीं होते। प्रॉब्लम तब पैदा होता है जब हम लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम करना चाहते हैं। तो याद रखें, फ्रिक्वेंसी जितनी कम होती जाएगी तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी, और कैपेसिटर की रिएक्टेंस जितनी बढ़ जाएगी वो कैपेसिटर की रिएक्टेंस भी एक तरह की रुकावट पेश करेगी, वो गेन पे एक बड़ा बुरा इफेक्ट डालेगी, ठीक है। यही वजह है कि जब हम बहुत लो फ्रिक्वेंसीज यानी नियर जीरो, हम बहुत लो फ्रिक्वेंसीज पे काम करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करते हुए अच्छी आउटपुट की उम्मीद जो है लाना, ये बड़ी बेकार बात है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो ये कहता है कि जब हमें बहुत ही थोड़ी जो है वो फ्रिक्वेंसी पे काम करना हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम कैपेसिटर को इस्तेमाल ना करें, कि वो अपने आप में जो है वो रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाते हैं, तो लिहाजा वो बड़ा जो है ना रुकावट पैदा कर देते हैं। तो इसलिए जो है वो बहुत लो फ्रिक्वेंसीज पे काम करने के लिए, ठीक है, वो कहता है कि ये यूजफुल है। जैसे वो कह रहा है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर्स कैन बी यूज टू एम्पलीफाई लो फ्रिक्वेंसी ऑल द वे डाउन टू DC 0, यानी इतनी लो के जीरो तक आप पहुंचना शुरू हो जाएंगे विदाउट लॉस ऑफ, वो कहता है इससे गेन में कमी नहीं आएगी, ठीक है, बिकॉज क्यों, देर इज नो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द सर्किट, में कोई कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही नहीं होगी, ओके। अगर कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे इतनी लो फ्रिक्वेंसीज पर बड़ी, क्योंकि जो कैपेसिटर्स रुकावट पेश करते हैं वो हमेशा फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, हायर फ्रिक्वेंसीज पे वो नेग्लिजिबल है और लो फ्रिक्वेंसी पे वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जो हमारे गेन को बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकती है, ठीक
ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो कहता है नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और वो इस तरह से कि वो कहता है कि अगर टेम्परेचर की वजह से जो हमारी बाइसिंग वोल्टेज है अगर उसमें कोई तब्दीली आ जाती है, ठीक है, या किसी भी पावर सप्लाई की वेरिएशन से, तो उस सूरत में आपकी जो है ये वो डीसी ये भी एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएगी, डीसी लेवल जो है वो क्या करेगा, वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, ठीक है, सर्किट के अंदर थ्रू आउट आ गया। अगर आप गौर करें तो क्या है कि जो पहला सर्किट है उसकी बेस वोल्टेज जो है वही वोल्टेज डिवाइडर से यानी R1 R2 और VCC के उसी फार्मूले से आप मालूम कर लें वही VB है, लेकिन जो दूसरा दूसरी स्टेज का जो ट्रांजिस्टर है उसकी बेस वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली पहले की कलेक्टर वोल्टेज यानी VCC से जा रही है, ठीक है, हायर है इसके लिए वोल्टेज। तो लिहाजा ये स्पेशल सिनेरियो है जब कभी बहुत लो फ्रिक्वेंसीज पर काम करना हो तो उस सूरत में कनेक्शन इस तरह से किए जाते हैं और कैपेसिटर्स को जो इग्नोर किया जाता है वो नहीं इस्तेमाल किए जाते ताकि हमारा गेन बेहतर हो सके, और जब हम हायर फ्रिक्वेंसीज पे जाते हैं तो फिर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पे हायर फ्रिक्वेंसी पे जाके कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत लो हो जाती है और हमारे लिए इसका फायदा होता है। आई होप कि आपको इस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स की जो है वो समझ आई होगी कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स का मतलब क्या है, मल्टीपल स्टेज एम्पलीफायर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो गेन को बढ़ा देती है, ठीक है, और आगे जाके ये क्योंकि डिस्क्रीट की एग्जांपल्स थी, इंशाल्लाह हम आगे जाके दूसरे एम्पलीफायर्स को भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।